जानते हैं, हम एक NYC लैपटॉप केसेस वॉलंटियर हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ। आज हमें 3 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, 3 साल से हमारा काम पेंडिंग है। हम कभी सकटेड में हमारी फाइल 3 साल से पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लारे लगाए जा रहे हैं। कभी जम्मू से श्रीनगर बोलते हैं, कभी सकटेड जम्मू आता है, कभी श्रीनगर, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। और जैसा कि वहाँ सकटेड में हमारे अदर अदर डिपार्टमेंट में जो NYC वॉलंटियर लैपटॉप केसेस, वहाँ श्रीनगर के बच्चे भी जा रहे हैं सकटेड में, लेकिन उनको झूठ बोला जा रहा है, लारे लगाए जा रहे हैं। हम एडवाइज़र साहब से ही मिले हैं, जैसा कि आप देखते हैं एडवाइज़र साहब का ये लेटर भी है हमारे पास, उन्होंने मार्क किया हुआ है शर्मा सिवी साहब को, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं। लेकिन वो आगे कोई काम को सही तरीके से लेने नहीं रहे, हमें धोखा दिया जा रहा है। और ये जो DG ऑफिस है, DG ऑफिस श्रीनगर, DG साहब ने भी वहाँ से मार करके दिया, लेकिन उन पे उनके लेटर पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। टोटल हम 571 NYC लैपटॉप केसेस हैं, 571 जो केसेस हैं लैपटॉप केसेस NYC, और हर मतलब 18 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो लैपटॉप रह चुके हैं। ये इन्होंने जब सेंटर से अप्रूवल हुआ था सर, 6070 बंदे का पैसा अप्रूवल हुआ था, उसमें से इन्होंने जो बच्चा ज्वाइन हुआ वो 5681 बंदा ज्वाइन हुआ, लेकिन पूरा बंदा ज्वाइन नहीं हो सका। और टोटल जो अभी जो काम कर रहे हैं वो 5408 बंदे प्रेजेंट काम कर रहे हैं। काम कुछ नहीं हो रहा सर, लारा लगाया जा रहा है। एडवाइजर साहब से भी मिले हैं, और मेरी अपील गवर्नर साहब से है कि अगर ये जो सकटेड में बंदे बैठे हैं, लाख लाख दो दो लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं, ये काम कुछ नहीं कर रहे, लारा लगाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, हमारे से इतना बड़ा धोखा किया इन्होंने, यूथ तबाह हो रहा है सर। ये बोल रहे हैं यूथ के लिए हमने वैकेंसी निकाली है, जो सकटेड वाले 571 बंदे को 3 साल से एडजस्ट नहीं कर पाए वो क्या करेंगे एडजस्ट? क्यों धोखा दिया जा रहा है यूथ को? दर बदर धक्के खाएं, कहाँ जाएं? ये लड़कियां जो दूर दूर से आती है, बॉर्डर इलाके के बंदे जो आ रहे हैं यहाँ, जो यूथ अपना जिन्होंने फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं, जो खज्जल हो रहे हैं बंदे, वो क्या करेंगे? क्या कहाँ जाएं हम? क्या चाहते हो सर? हम यही चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द जो कमेटी वहाँ बैठी है श्रीनगर में, वो पता नहीं अंदर से अंदर ही अंदर पता नहीं अपना काम जो भी है पता नहीं कर चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा काम होना चाहिए। अगर ना हुआ, आज हम 5-7 बंदे हैं, लेकिन कल हम 571 बंदा पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, और वो उसके जिम्मेवार गवर्नमेंट खुद होगी। और आज तो आपको पता है कितने 3-4 महीने से कोरोना चल रहा है, और हमारी जो है NY वालों का कोई काम हो नहीं रहा। कभी हमें दिल्ली भेजते हैं, कभी हमें श्रीनगर भेजते हैं, कभी हमें जम्मू। 3 साल से हमें कितना चक्कर लगा रहे हैं, हर महीने में हम चक्कर लगाते जा रहे हैं। अब इन दिनों में हम कोई नहीं गए कोरोना की वजह से। सर हमारा काम होना चाहिए, हमारे पास जो पैसे थे हमने वो लगा दिए, अब हम घर वालों से कैसे लें? एक कोरोना है, क्या करें सर?